नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रश्मि। देखेंगे छठ पूजा की धूमधाम, जानेंगे करियर में आए नए विकल्पों के बारे में, देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट, जानेंगे क्या खास कर रही है आधी आबादी, बताएंगे इंजीनियरिंग फील्ड में बढ़ते स्कोप के बारे में और जानेंगे एक सेमिनार के बारे में। अब रुक करते हैं महिलाओं से जुड़ी अपनी अगली पेशकश की ओर। आज हमारे देश ने विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान साबित की है। देश में लगातार हो रहे इन्वेंशंस और अपडेट होती न्यू टेक्नोलॉजीज यहाँ के लोगों की क्रिएटिविटी का ही नतीजा है, लेकिन मार्केट में बढ़ते कंपटीशन और आगे निकलने की होड़ में इसका मिसयूज भी होता रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन लड़कियों को सेमिनार के जरिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बताया गया, ताकि जब ये अपने स्किल्स में कुछ नया करे तो इसे लीगल प्रोटेक्शन देकर अपनी क्रिएटिविटी का मिसयूज ना होने दे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आज हमारी स्टडी के फील्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अपने रिसर्च को हमें प्रोटेक्ट करना है। और जैसे ट्रेडमार्क है, तो हमारे अपने प्रॉपर्टी जो है वो हमने रिसर्च करी है, अपना इनोवेशन दिया है, तो दैट कैन बी प्रोटेक्टेड, दैट शुड बी प्रोटेक्टेड। द इंस्टीट्यूट हैज चूजन द सब्जेक्ट फॉर लिवरेजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस ग्रोथ। द सब्जेक्ट इज एट द नेसेंट स्टेज ऑफ डेफिनेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, especially in this country, and the area is wide open for interpretation. The world's intellectual property have created worldwide resonance on account of its all-pervading and unknown implications. The topic of the seminar is expected to bring out all the shades of opinion on the issue and clarify all the doubts in the minds of the participants. साथ ही सेमिनार में इन लड़कियों को इस कॉन्सेप्ट की बेसिक जानकारियां भी दी गई, क्योंकि आज जितनी भी इन्वेंशंस हो रही हैं, वो हमारे ब्रेन की उपज है। ऐसे में हमारी इस बौद्धिक संपदा का बचाव जरूरी है। ये लड़कियां इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ सके, इसके लिए फील्ड की कई जानी मानी हस्तियों को भी बुलाया, जिन्होंने इन स्टूडेंट्स को मोटिवेट तो किया ही, साथ ही फ्यूचर की पॉसिबिलिटी से भी इन्हें अवगत कराया। आज के डेट में जो हम ट्रेडिशनल इकोनॉमी और जो नॉलेज इकोनॉमी है, उस नॉलेज इकोनॉमी की ओर हम बढ़ रहे हैं। पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट यू नो ब्रेन इज द कैपिटल, इंटेलेक्ट इज द नेक्स्ट कैपिटल फॉर द होल वर्ल्ड। एक आइडिया जो कि स्टार्ट होती है आदमी के दिमाग से और वो उपजती है, उपजने के बाद उसको एक टेंजिबल फॉर्म में वी गिव इट अ शेप, एंड उसके बाद हम उसको लीगल प्रोटेक्शन इसलिए चाहते हैं क्योंकि कोई उसका मिसयूज ना कर सके। मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी दिमाग से हमारी उपज निकलती है वो कहीं ना कहीं अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करें तो वो खो जाती है, और कोई ना कोई आदमी इसको मिसयूज करके वो अपना ट्रेडमार्क लगा सकते। गर्ल्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है इस सेमिनार से कि वो इंटरेक्ट कर सकती है डिफरेंट पर्सन से, एंड दे कैन अवेयर अबाउट डिफरेंट थिंग्स। सेमिनार्स में जो एक्सपर्ट्स आते हैं, जो इन सेमिनार्स में जो लोग आकर इनको बताते हैं, तो इनके लिए कि एक विंडो की तरह होता है, एक अच्छा इनको एक्सपोजर मिलता है। और इस तरह के जो इंटरेक्शंस होते हैं वो छात्रों को ज़रूर ये बताते हैं कि जो इस फील्ड के, इस क्षेत्र के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कि सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने कि नए आयाम दिए हैं इन क्षेत्रों में, वो सब क्या, उनकी क्या सोच है और कहाँ गलतियाँ हो जाती हैं अक्सर छात्रों से, वो जो जो एक कोर्स करेक्शन जो होता है वो ऐसे सेमिनार्स के जरिए मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकता है। रेगुलर स्टडी के साथ साथ इस तरह के सेमिनार्स ना केवल स्टूडेंट्स बल्कि फैकल्टीज के लिए भी फायदेमंद साबित होती हैं। साथ ही स्टूडेंट्स भी मार्केट के ट्रेंड्स को समझ पाते हैं। इसके अलावा ये सेमिनार्स इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। WTO के चलते आजकल ये सब्जेक्ट के ऊपर बहुत बड़ी बहस हो रही है। आजकल हमारे फिल्म वाले बोलते हैं कि उनका फिल्म जो है पायरेट होके बाहर चली जा रही है, गाने का पायरेटिंग हो रहा, तो कॉपीराइट के बारे में जानना और उनको इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। और जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं उनको ये जानकारी देना चाहते थे ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट में क्या हो रहा है इसके बारे में पता चलता है। सेकेंडली हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है, हम अपने से बुकिस नॉलेज के हिसाब से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइट क्या है बुक्स में पढ़ के वो चीज़ें समझते हैं, और जब हमारे गेस्ट आते हैं तो हमें रियल लाइफ से उन चीज़ों को एग्जाम्पल देकर उसे बताते हैं कि ये कैसे वहाँ पर हो रहा है। स्टूडेंट को पता चले कि आजकल के बिजनेस रिलेटेड जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उसमें कौन कौन से पहलू हो रहे हैं,
वर्ल्ड के लेके, जैसे हल्दी के ऊपर, बासमती राइस के ऊपर दुनिया से हमारे झगड़े हैं। हमारे अपने देश में ही गाने में कौन से शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या वो ट्रेडमार्क है, उसके ऊपर झगड़े होने। इसीलिए हम लोगों ने एक इसको माध्यम बना के जो लॉयर्स हैं, जो एकेडमिशियंस हैं और जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उन सबसे इंटरेक्ट करा के नेटवर्किंग बना। आज हम नॉलेज इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां आगे बढ़ने के लिए न्यू आइडियाज और न्यू कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, और MBA कर रही इन लड़कियों के लिए अपने आइडियाज को लीगल प्रोटेक्शन देना जरूरी है, क्योंकि यही हमारे देश की फ्यूचर लीडर्स है। ऐसे में इस तरह के सेमिनार्स इन्हें तो आगे बढ़ाएंगे ही, साथ ही देश के लिए नई वैल्यू क्रिएट कर सकेंगी।